आजकल अब प्रदेश के किसी न किसी भाग से कोई विशेष समस्या और समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयासों को कार्यक्रम के माध्यम से दिखाता आया है। आइए दिखाते हैं एक नए क्षेत्र को और विचार करते हैं समाधान और विकास के आयामों पर। जयपुर शहर गुलाबी नगर के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और एक हद तक गुलाबी नगर अपनी गुलाबी परंपरा की छाप भी पर्यटकों पर छोड़ने में कामयाब रहा। एक ओर जहां इसकी सुंदरता और चौड़ी सड़कों के गीत देशी विदेशी पर्यटक गाते नहीं थकते हैं, तो दूसरी ओर 200 फीट बाईपास से विश्वकर्मा और दिल्ली के रोड को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे अपने सर्विस रोडों की अव्यवस्था के कारण एक समस्या बना हुआ है। यह समस्या केवल समस्या ना होकर एक बहुत बड़ी जन समस्या है। सर्विस रोडों पर जिस तरह से कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, वह एक गंभीर विषय है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब कूड़े करकट के ढेरों को उठाना तो दूर, इसमें और कूड़ा करकट लाकर ढेरों को और बड़ा बना देते हैं। शहर में उठाए गए कचरे के निस्तारण के लिए कई जगह डंप यार्ड बने हुए हैं, लेकिन कचरे को डंप यार्ड में खाली करने के बजाय नगर निगम द्वारा संचालित कचरे की गाड़ियां कचरे को सर्विस रोड पर खाली कर जाती हैं। फिर कचरा बीनने वाले आवश्यक कचरा और थैलियां बीनकर बाकी कचरे को सड़कों पर ऐसे ही फैला देते हैं। इसी के साथ इस सर्विस रोड की मुख्य समस्या सर्विस रोड पर स्थायी रूप से वाहनों के पार्किंग की है। स्थायी रूप से खड़े वाहन न केवल यातायात के लिए परेशानी का सबब हैं, अपितु आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इन वाहनों के जमावड़े की वजह से पैदल यात्रियों का सड़क पार करना भी दूभर है। राजधानी की मंडी कुकाखेड़ा से जुड़े सर्विस रूट के हालात तो काफी गंभीर हैं। क्या कहते हैं सर्विस रूट की अव्यवस्था के बारे में जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी? सर्विस रोड पर हटाते ना सर, हम उनके उठाते हैं, खड़े कर दे रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और उनको समझाइश की जा रही है कि आप यहाँ वाहनों को मत लगाइए, वन वे चल रहा है और हमने 12 से 4 तक का इनका एंट्री खोल रखी है। बाकी रास्ते को दुरुस्त रखा जाएगा तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा और पुलिस लगी हुई है जगह जगह पे, इनको यहाँ खड़ी नहीं होने दी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो सर्विस रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, हम हमारी गाड़ी को PCR को हमारी मोबाइल गाड़ी को भेजते रहते हैं बराबर बराबर। जो जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है हम उनका चालान भी बनाते हैं और ट्रैफिक वाले से समन्वय बनाकर हम गाड़ियों को वहाँ से हटवाते हैं। और दोनों तरफ सर्विस लेन जो है, कई बार क्या नए लोग आके खड़े हो जाते हैं, उनको बार बार समझाते हैं और हम स्थायी पॉइंट भी लगा रखे हैं। जब जब मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा रश रहता है तो मॉर्निंग टाइम हमारे स्टाफ अलग से लगाए जाते हैं और शाम के टाइम में रश रहता है, इसके लिए भी हमने अलग से जाप्ता की व्यवस्था कर रखी है। जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है उनको समझाइश की जाती है। सर्विस लेन पे ट्रैफिक ज़्यादा भी है और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी करते हैं। स्थायी समाधान के लिए हमने एक तो ट्रैफिक का नाका लगा रखा है और ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है, वन वे कर रखा है। वन वे कर रखा तो उसकी हम पूरी पालना करवाते हैं। हमारा फोकस उस पर रहता है कि यह वन वे करा रखा था, उसके पूरा फोकस उसकी पालना में ही हमने अधिकतर जाप्ता लगा रखा है। क्या कहते हैं आम व्यक्ति इस बारे में? कि ये गलत है तरीका और जहाँ पर पार्किंग हो वहीं पर वाहन को खड़ा करना चाहिए जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत नहीं हो। ये जो सर्विस रोड पे जो ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी रहती है, इनकी वजह से इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं और इन सबको देखते हुए अपना जो प्रशासन है वहीं पुलिस वाले चौराहे पर खड़े होकर चालान करते रहते हैं। इनके पीछे गाड़ियाँ रोड पर पार्किंग हो जाती हैं, ये अंधेरी करके ये सब मतलब फिर भी चालान करते रहते हैं और गाड़ी वाड़ियों को इनके चालान नहीं करते, इनको हटाते नहीं, इनके बहुत घटनाएं होती है। इस व्यवस्था को सुधारनी चाहिए जो पब्लिक को फायदा मिले, कोई मतलब एक्सीडेंट न हो। सर ये जो सर्विस रोड है इस पे दोनों साइड में ट्रक व्रक खड़े रहते हैं, आम आदमी को परेशानी होती है आने जाने में, बड़े बहुत बड़ी परेशानी, कभी कभी तो जाम सा लग जाता है ट्रैफिक एकदम से। तो प्रशासन से निवेदन है कि इनको सबको सुधार करें। हमारे को आवागमन में एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे के नीचे 200 फीट से लेके 14 नंबर तक विश्वकर्मा तक ऊपर हाईवे पे 200-500 गाड़ियां मेन हाईवे पे खड़ी रहती है, दो दो चार चार घंटे, और आए दिन एक्सीडेंटों का अंदेशा बना रखता है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए हमारी प्रॉब्लम सोल्व कराई जाए और आम जनता को राहत दिलाई जाए। मैं जगदीश शर्मा, मैं यहाँ दावास रोड पर रहता हूँ। जो 200 फुट बाईपास से आने जाने में यातायात के साधनों में नीचे और ऊपर वाहन खड़े रहते हैं, इसलिए लोगों को आने जाने में और ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए
सभी लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ आने जाने के लिए। मैं ओम प्रकाश गुप्ता दावास रोड पर का निवासी हूँ। मैं चाहता हूँ ये सर्विस लाइन पे रोड पे ट्रक खड़े रहते हैं दोनों साइड में, करीब दो दो तीन दिन तक खड़े रहते हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। 200 फुट बाईपास सर्विस रोड पर दोनों तरफ ट्रक खड़े रहते हैं जिससे आए दिन दुर्घटना हो सकती है, होती रहती है, और दोनों तरफ पुलिस प्रशासन से या प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों तरफ जो ट्रक खड़े रहते हैं उनको हटाएं। सर्विस लेन के पर ना जाम हमेशा लगा रहता है। एक तो जो सर्विस लेन पे कट बना हुआ है उस कट के अंदर सर्विस लेन के अंदर ट्रक्स आते हैं, और ट्रक आते हैं तो वो ट्रक है ना जो इधर से आने वाले होते हैं उधर से जाने वाले होते हैं उनके लिए जगह नहीं बचती, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। मेरा भी एक्सीडेंट हो चुका है वहाँ पर। आगे जब उससे बढ़ते हैं तो साइड में लेफ्ट साइड के अंदर है ना ट्रैक्टर्स चाय वाले की दुकान है, वहाँ पर ट्रैक्टर्स हैं, टेम्पू हैं, टैक्सियाँ हैं, वो खड़ी रहती है, और जस्ट उसके साइड के अंदर ही उसके जस्ट साइड के अंदर भी है ना ट्रक खड़े रहते हैं, टैक्सेस खड़े रहते हैं, जिससे सर्विस लेन में घूमने में भी हमें दिक्कत होती है। बहुत सी बार तो है ना उससे हम टकरा जाते हैं, जो इस साइड में जो गाड़ी खड़ी रहती है ना उससे टकरा जाते हैं। इस सर्विस रोड की अव्यवस्था को प्राथमिक समस्या के रूप में लेकर दूर किया जाना चाहिए। इसके स्थायी समाधान होने पर जहां एक ओर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आवागमन भी सुव्यवस्थित होगा। सर्विस रोडों से कचरा हटाए जाने और उन्हें डंपयार्ड बनने से रोकने के बाद ही जयपुर की साफ सुथरी तस्वीर से हमारे साथ साथ पर्यटक भी रूबरू हो सकेंगे।